वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पारमिता और चैनल का नाम है माई प्लस जी। और आज हम बात करेंगे एल्स गुडनेस का DIY पाउडर स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में। सो इफ यू वांट टू कीप वाचिंग द वीडियो तो पहले प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो क्लिक द बेल नोटिफिकेशन टू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट रिव्यूज करती रहती हूँ ऑन वेरी नाइस एंड न्यू प्रोडक्ट्स। सो चलिए अभी चलते हैं रिव्यू गाइस। तो मैंने एल्स गुडनेस से दो पाउडर मंगवाए थे। अगर आपको पता नहीं है कि एल्स गुडनेस क्या है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है जो आपको purple.com पे मिल जाएगा। सो ये दो प्रोडक्ट मैंने लिया था, विच इज द मेथी पाउडर एंड द लोटस पाउडर। दीज आर द टू पाउडर्स। पहले मैं मेथी दिखा देती हूँ आपको। लोटस पाउडर जो है वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो में विल टॉक अबाउट मेथी पाउडर। सो बेसिकली दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स द हेयर। इसमें लिखा है मोस्टली अबाउट हेयर इम्यूनिटी एंड ऑल, बट ये हम हेयर और फेस दोनों पे ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखा है जहाँ पे सिर्फ हेयर पे टेस्ट करते हैं, फेस पे नहीं टेस्ट करते हैं। बट मैंने पर्पल में जाके अगर आप मेथी पाउडर का डिस्क्रिप्शन देखो तो वहाँ पे आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो विल डू बोथ बिकॉज आवर फेस नीड्स केयर टू, क्योंकि फेस का हालत ख़राब हो रहा है। सो अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मेथी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ निकोटिनिक एसिड टू स्ट्रेंथन द हेयर शाफ्ट एंड प्रिवेंट ब्रेकेज। ये आपके हेयर को ब्रेक होने नहीं देता है, स्ट्रांग बनाता है आपके हेयर को, सॉफ्टनिंग एंड रिफ्रेशिंग। अगर आपका हेयर ड्राई है मेरी तरह तो उसको ये सॉफ्ट करने का दावा करता है और रिफ्रेश भी कर देता है। मेथी काफी ठंडा होता है तो आपको हेयर को कूलिंग इफेक्ट भी देगा। रिच इन प्रोटीन टू बूस्ट हेयर इम्यूनिटी, इंक्रीज सर्कुलेशन एंड टू टैकल बॉल्डनेस। तो अगर आपके कहीं पे गंजापन है, यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो हेयर कम है, तो ऐसे सिचुएशन में मेथी क्या करता है, दिस प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ। मतलब आपका हेयर का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा और जो बॉल्ड स्पॉट्स है ये ठीक हो जाएगा, ये दावा करता है। एंड दिस इज 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है और मेरे चैनल पे रिसेंटली मैं चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, क्योंकि ये आपके स्किन और हेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। लास्ट है क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर डैमेज प्रोन हेयर। तो ये आप ऑयली ड्राई किसी भी हेयर में यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपका डैमेज प्रोन हेयर है मेरी तरह कलर्ड ट्रीटेड स्ट्रेटेंड स्मूदेंड हेयर है और आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा लिम्प हो गया है, झाड़ू जैसा हो गया, तो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। प्राइस है 130 रुपीज़, बट हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे या purple.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेथड दिया गया है यूज़ करने का, सेज दैट यू कैन टेक 20 ग्राम ऑफ मेथी पाउडर एंड ऐड 100 ml ऑफ वाटर टू मेक अ पेस्ट। यू कुड ऐड एसिडिक लिक्विड्स और ऑयल्स टू इट। यूज अ थिन टूथ कॉम फॉर पार्टिंग हेयर इन टू ब्रांचेज एंड अप्लाइंग द पेस्ट। मतलब बोल रहा है बेसिकली कि अगर आपके हेयर को ऐसे पार्ट करके धीरे धीरे वो लगाना है तो आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल्स टू इट, ताकि इसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़े आपके घर पे। कोई भी ऑयल सो है, ऑयल सो यू कैन यूज दैट। सो आई क्विकली शो यू हाउ टू डू दिस एंड देन वी कम बैक एंड अप्लाई। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पैक, मेथी पैक है ये। और द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि ये थोड़ा जिपलॉक जैसे टाइप का है, तो मैंने काटने के बाद देखो ऐसा टाइप का है, तो यू डोंट नीड एक सेपरेट कंटेनर इसको स्टोर करने के लिए, आप यहाँ पे अच्छे से सिक्योरली स्टोर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मेक द पैक क्विकली। ओके गाइस, तो मैं अभी इसको पोर कर रही हूँ एक बोल में। ध्यान रखिए कि हमेशा ग्लास बोल यूज करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल्सो मैंने आपको हेयर बेनिफिट्स बोला, बट स्किन के लिए मैं बेनिफिट बता दूँ। पहले तो मेथी का बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट होता है आपके स्किन पे, तो दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू टू यूज़, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा आपका ड्राई या फ्लेकी स्किन है तो ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, फ्लेकीनेस हटा देता है, सारा ड्राइनेस हटा देगा, स्किन को काफ़ी स्मूथ बना देगा। इसके अलावा मेथी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से स्किन को ये ब्राइटन करता है, डलनेस हटाता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। तो काफ़ी बेनिफिट है इसका स्किन के लिए, तो हम स्किन में भी इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हेयर और स्किन दोनों में यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करें। अगर आप हेयर में यूज़ कर रहे हो तो हेयर लेंथ के हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसमें हम दही डाल रहे ओके
इसमें हम दही डाल रहे हैं विच इज वेरी गुड फॉर दी हेयर स्किन बोथ, स्किन और हेयर को कूल भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा और काफी सॉफ्ट बनाएगा. सो दिस इज एन एडिशनल गुड थिंग विद द मेथी. तो आप ऐड कर सकते हो. इसके अंदर मैं मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल डालूंगी. मैं थोड़ा सा DIY हेयर ऑयल लगा रही हूँ. ये मैंने एक फेसबुक स्टोर से खरीदा है, इंस्टाग्राम पे भी है. इसका नाम है अर्दी बोटानिक्स. मैंने अपने चैनल पे पहले भी वीडियोस बनाए, ये हैंडमेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो पहले इनका नाम मैजिक पोशन था, अभी इनका नाम हो गया अर्दी बोटानिक्स. बहुत अच्छा है, आप चेकआउट कीजिएगा. इसका फेसबुक लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो गो एंड चेकआउट दैट पेज. एंड या अभी इन सबको मिक्स करेंगे और फिर हेयर और फेस में लगाएंगे. एंड गलती से मैंने हेयर ऑयल डाल दिया है, तो आई के नॉट पुट दिस ऑन माई फेस एनी मोर. सो या ये सिर्फ हेयर पे ही डालेंगे एंड देन फेस पैक अलग से फेस के लिए बनाएंगे. ओके गाइज, तो हमारा मैजिक हेयर पोशन बन चुका है. पेस्ट बन चुका है और उससे पहले आप मेरे लिए कंडीशनर यहाँ पे मैं डाल दूंगी. बिफोर कंडीशनर आप देख लो. सो मेरा हेयर काफी ज्यादा फ्रिजी ड्राई है नाउ. काफी इम्प्रूवमेंट आया है कंडीशनर में, क्योंकि मैं काफी अपने हेयर का ख्याल रखना स्टार्ट की हूँ. आई बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑयल्स, मामा अर्थ का ऑनियन ऑयल, हैंड मेड ऑयल्स, जैसे मैंने दिखाया रजू एक ऑयल है. इसके अलावा मामा अर्थ के हेयर मास्क भी यूज करती हूँ, बट मैंने काफी ऐसे मतलब DIY यूज किया है, बट कल खरीद के तब यूज नहीं किया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, नाउ मैं अप्लाई इट एंड सी. मैंने हेयर को वैसे पार्ट कर दिया है, पार्टेड एज वेल एज यू कैन. मैंने बस ऐसे ही पार्ट किया है. तो मेरा हेयर जर्नी काफी मतलब डिफिकल्ट हो चुका है. आई हैव स्टार्ट लाइक मेरा हेयर जर्नी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है. आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय हेयर. मेरे हेयर नेचुरली बहुत ज़्यादा वेवी है, तो मैंने क्या किया था, बहुत बार स्ट्रेट करवाया था, क्योंकि मेरा हेयर काफ़ी यू नो टैंगल हो जाता था, जो प्रॉब्लम होता है नॉर्मली वेवी हेयर के साथ. इट्स नॉट कर्ली, इट्स नॉट स्ट्रेट, सो इट्स लाइक समवेयर इन द मिडिल. और थोड़ा मैनेजेबल करने के लिए मैंने स्ट्रेट करवाया था, बट स्ट्रेट करवाना इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग. आपको हमेशा यू नो हर मंथ आपको अच्छा जगह से आपको हेयर स्पा करवाना पड़ता है. तो अगर आप 2-3 हज़ार से करवाओगे, सोच रहे हो कि 2-3 हज़ार तो लगता है स्ट्रेटनिंग का, बट उसके बाद हर महीने आपको 1200-1300 खर्चा करना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन इट. तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. तो अगर यू कैन डू इट तो आई से डू इट, बट अदरवाइज इफ यू कांट मेंटेन तो आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिखेगा क्वालिटी में. एंड वैसे भी अगर आप स्ट्रेट करोगे डैमेज तो होगा ही, बट स्पा करोगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बट अंदर से तो डैमेज होगा ही. बट लाइक अगर आपके पास उतना टाइम भी कंज्यूमिंग है, पैसे तो है ही बट टाइम भी है आपको, ऐसे पार्लर में जाना पड़ेगा एंड ऑल. एंड अभी तो कोरोना वायरस की वजह से पार्लर जाना भी मुश्किल हो गया है. तो आई फील कि जो हमारा नेचुरल हेयर का टेक्स्चर है उसको अगर हम ठीक करे तो अच्छा होगा. नेचुरल चीजें ज्यादा अच्छे होते ऑलवेज, विच आई रियलाइज. बहुत टाइम लगा मुझे रियलाइज करने में. एंड या तो अभी जो ये वाला मास्क है, तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना वर्क, बट अगर ये वर्क करे बहुत अच्छा है. क्योंकि मेथी नॉर्मली आपको भिगो के रखना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है. जस्ट मेक दिस मेथी पाउडर घर पर अगर बनाओ तो काफी ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है. जहाँ पे यहाँ पे आप एल्प से अगर
बट यहाँ पे अगर आप ऐप से ये खरीदते हो तो काफी आपको चीप भी मिलता है। काफी लोग अभी तक शायद इसके बारे में जानते नहीं होंगे, इंस पे अच्छे से लगाएगा, बट इसलिए मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसा है एल्सी का प्रोडक्ट। आई हैव बीन ट्राइंग देयर हेल्थ सप्लीमेंट्स एज वेल, आई बीन ट्राइंग देयर नोनी जूस। इफ यू डोंट नो व्हाट नोनी जूस इज, देन उसमें मतलब एक नोनी फ्रूट बोल के होता है, आई लर्न्ड इट फ्रॉम शिल्पा शेट्टी, इज व्हाट आई ईट इन अ डे विद हर। तो वहाँ पे वो बोली थी कि मॉर्निंग में वो नोनी जूस लेती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज उसका ना उसमें अश्वगंधा आंवला सब कुछ होता है, इट्स गुड फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो, प्लस एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा देता है। सो उसके बारे में अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बनाऊंगी, एंड बिकॉज आई रियली लाइक दैट प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वो पीना। आई हैव इट, माई मदर हैज इट, दोनों मिल के ही पीते हैं वो, एंड इट्स गुड फॉर ओवरऑल इम्यूनिटी। सो या मतलब एप्स के प्रोडक्ट्स मुझे वो वाला हेल्थ सप्लीमेंट अच्छा लगा, ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, सो आई होप आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इफ दिस इज अ स्टार प्रोडक्ट देन बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मेथी आपके हेयर में लगाना ही चाहिए, इट्स वेरी गुड। लाइक अगर आपका हेयर खराब हो गया मेरी तरह, या अगर आपका हेयर अच्छा है बट आप मेंटेन करना चाहते हो, देन ऑल्सो मेथी इज वेरी गुड फॉर योर हेयर, वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। एंड आप देखे होंगे कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन थे उनके हेयर का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो तो पार्टी भी नहीं जाते थे बट वो DIY चीज़ें यूज कर करके अपने हेयर को अच्छा बनाए हैं। सो आई थिंक इफ दिस वर्क्स आउट इट्स विल बी अमेजिंग एंड रेवोल्यूशनरी। तो इसका ऐसे लिखा है मेथी, ये रखने का बोला है लाइक कीप इट फॉर 15 मिनट्स आई थिंक लिखा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई एम गोइंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड कीप इट फॉर एटलीस्ट एन आवर, क्योंकि आज संडे है, टाइम है, तो वाई नॉट। एंड मेरा हेयर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा डैमेज है, आई फील डबल टाइम मैंने कलर करवाया, स्ट्रेट करवाया, सो आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर अ वाइल एंड कम बैक एंड शो यू गाइस। इसके बाद इसको जो करना है, यू हैव टू वॉश इट ऑफ विद अ माइल्ड शैम्पू, कोई भी आप नेचुरल शैम्पू यूज कर सकते हो या आपका रेगुलर शैम्पू यूज कर सकते हो, बट कोशिश करो केमिकल फ्री यूज करना, देन इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स नॉर्मली केमिकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम नहीं करते जिससे। सो केमिकल फ्री शैम्पू यूज करो। मेरे पास वैसे केमिकल फ्री, आई डोंट नो ट्रेसेमे इज केमिकल फ्री और नॉट, बट मेरे पास वही है, सो आई एम गोइंग टू यूज दैट। एंड उसके बाद आप चाहो तो कंडीशनर यूज कर सकते हो या नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज कंडीशनर क्योंकि मुझे इसका इफेक्ट अच्छे से देखना है। सो या एक घंटे बाद शैम्पू करके आई विल मीट यू गाइस एंड आई विल शो यू दी फाइनल रिजल्ट्स। गाइस तो हेयर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, इट्स 12:40, एक बजे एक घंटा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स करीब करीब बाकी है, तो व्हाई नॉट पुट ऑन द फेस पैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस पैक लगाने से पहले यू मस्ट रिमेम्बर कि आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, तो दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग द कॉफी फेस स्क्रब बाय मैक कैफे। ये बहुत अच्छा स्मेल है और कॉफी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है और स्किन को ब्राइटन और क्लीन करता है। इसके साथ आई एम गोइंग टू यूज अ स्क्रब टुडे बिकॉज टुडे इज संडे, सो स्क्रब इज अ मस्ट। दिस इज द कोको फेस स्क्रब विद कॉफी एंड कोकोआ, दिस इज बाय मामा अर्थ एंड ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू डू अ सेपरेट रिव्यू ऑन दिस। दिस इज अमेजिंग स्टफ, दिस स्मेल्स अमेजिंग, इसका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड संडे पैम्पर रूटीन के लिए आप यूज कर ही सकते हो। तो मैं ये सब करके आई वांट टू पुट माय मेथी पैक, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मेथी पाउडर और दही डाल के मैं फेस पे लगाऊंगी एंड आफ्टर 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू रिमूव इट अलॉन्ग विद द हेयर मास्क रिमूवल एंड देन शो यू गाइस। Thank you.
ओके गाइस, तो मैंने फेस और हेयर दोनों ही धो लिया है, तो टाइम फॉर माय फाइनल रिव्यू। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फेस के लिए, जैसे देखिए आप सामने से, फेस काफ़ी मेरा सॉफ्ट हो गया है, पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, बट एक्ने जो था मेरा, यहाँ पे भी एक्ने है थोड़ा सा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं किया, इट जस्ट मेड माय स्किन वेरी क्लीन एंड सॉफ्ट, बट थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा है मुझे स्किन अभी भी, सो आई डोंट नो इफ आई शुड यूज़ अ फेस वॉश और नॉट। हेयर के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही बोला है मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, सो उस हिसाब से मैं बोलूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हेयर पैक था, नॉर्मल आप मेथी भी लगाओगे तो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है रिमूव करना, तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट था रिमूव करना, बहुत अच्छे से मुझे शैम्पू करना पड़ा, सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड जो हुआ, काफ़ी मेरा हेयर फॉल हुआ, आई मीन आई डोंट नो, हेयर फॉल वैसे नॉर्मल होता है, हर डे थोड़ा थोड़ा हेयर तो फॉल होता ही है, बट स्टिल आई फेल्ट कि काफ़ी ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हुआ। एंड आफ्टर दैट हेयर वॉश करने के बाद हेयर में थोड़ा सा तो शाइन आया है, एज यू कैन सी हेयर काफ़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा शाइन आया ऊपर की तरफ, नीचे का जो पार्ट है वो ज़्यादा डैमेज है क्योंकि यहाँ पे नया हेयर ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। मैंने थोड़ा सेमी ड्राई कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ, तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शाइन आया है, और मेरा वैसे तो उतना डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा है, तो आई कैन सी कि अभी कुछ भी डैंड्रफ भी नहीं है, और काफ़ी कूलिंग इफेक्ट भी लग रहा है मेरे में। इसके अलावा ये जगह देखिए बहुत ज़्यादा शाइनी है, एंड ओवरऑल इसका जो फीलिंग है ना, मैंने बोलूँगी काफ़ी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है, मीडियम सॉफ्ट हुआ है मेरा हेयर, कंसिडरिंग कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, तो अगर आपका हेयर बहुत डैमेज है तो शायद आपको दो तीन बार लगाने के बाद कुछ इफेक्ट आएगा, मतलब सॉफ्टनेस आएगा, और अगर आपके हेयर वैसे ठीक ठाक है तो पहली बार में आपको सॉफ्ट हेयर मिल जाएगा। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको याद रखना है कि केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपके स्किन में या हेयर में इफेक्ट दिखाने के लिए, बट नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं आपके हेयर और स्किन के लिए, अगर आप कंपेयर करो केमिकल प्रोडक्ट्स से जो तुरंत आपको इफेक्ट्स दिखा देते हैं बट इन द लॉन्ग टर्म आपके हेयर स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू दिस मेथी पैक एज गुडनेस का। एंड मैंने आपको बोला मैंने दो पैक मंगवाया था लोटस का भी, ये मैं दूसरे वीडियो में करूँगी क्योंकि आज तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है, तो आई कैन नॉट अप्लाई दैट। एंड या तो ओवरऑल रिव्यू ये ठीक ठाक प्रोडक्ट है, मैं दो तीन बार और यूज़ करूँगी, एंड आई विल अपडेट यू ऑन माई इंस्टाग्राम कि मुझे और अच्छा इफेक्ट मिला या नहीं। तो इफ़ यू नॉट फॉलोइंग मी देयर देन प्लीज गो एंड फॉलो मी, ये है मेरा Instagram handle @myblushcheek, तो go and follow me there, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, helpful लगा है, then please subscribe to my channel and stay tuned for more videos. Bye.